माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी, मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी, केंद्र सरकार के मंत्रीगण, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मोहनी बहन जी, राजयोगी डॉक्टर बी के मुतिन जी और यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, ओम शांति। मानव कल्याण के लिए समर्पित वैश्विक संस्था ब्रह्मा कुमारी द्वारा राजस्थान की गौरवशाली धरती से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अभियान के शुभारंभ से जुड़कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हमारा सौभाग्य है कि इस अभियान का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। आज का दिन हमारे लिए विशेष स्मरणीय दिन है। आज के दिन 53 वर्ष पूर्व संध्या के संस्थापक प्रजापति ब्रह्म बाबा स्वर्गरोहण हुआ था, उन्हें मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। ब्रह्मा कुमारी एक विश्व स्तरीय संस्था है जो पिछले 8 दशकों से पूरे संसार में मानव सेवा का पुनीत कार्य कर रही है। व्यक्तित्व निर्माण से राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण से कुशल विश्व निर्माण के उद्देश्य के साथ कार्यरत ब्रह्मा कुमारी आज दुनिया की एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संस्था है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना की प्रतीक ब्रह्मा कुमारी ने समस्त मानवता को राजयोग का मार्ग दिखाया है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक ऊर्जा को सक्रिय करते हुए स्वयं को परमात्मा से जोड़ देता है। भाइयों और बहनों, हमारा स्वतंत्रता संग्राम विश्व में सबसे अद्भुत था। हमने अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग को अपनाया और इस विशाल देश को एक सूत्र में बांधते हुए व्यापक जनभागीदारी के माध्यम से आजादी प्राप्त की है। यह हमारे लिए स्वतंत्रता सेनानियों और मनुष्यों की त्याग, तपस्या और बलिदान से ही संभव हुआ था। वास्तव में अमृत महोत्सव का आयोजन स्वराज से सुराज की लोकतांत्रिक यात्रा का ही उत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी की व्यापक संकल्पना है, जिसमें पिछले 75 वर्षों की विकास यात्रा के साथ साथ आने वाले 25 वर्षों के लिए देश के सर्वांगीण विकास की कार्य योजना भी समाहित है, ताकि जब हमारी आजादी के 100 वर्ष पूरे हो तब हमारा देश वैश्विक पटल पर एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में सामने आए। आजादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा पर्व है जिसमें स्वतंत्रता संग्राम की भावना भी है तथा एक स्वर्णिम भविष्य का स्वप्न भी है। इसमें सनातन भारत के गौरव की झलक भी है और आधुनिक भारत के निर्माण का संकल्प भी है। ब्रह्मा कुमारी जैसी मानवीय संस्था का इस अभियान में शामिल होना इस ओर संकेत करता है कि देश की समाज सेवी संस्थाएं इस राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभा रही है। मानव सभ्यता के आरंभ से ही भारत आध्यात्मिक, शांति और मानवीय मूल्यों का केंद्र रहा है। आध्यात्मिक हमारी जीवन शैली है, हमारी सांस्कृतिक चेतना का एक अंग है। हमारे शास्त्रों में हमें वसुदेव कुटुंबकम का व्यापक वैश्विक दृष्टिकोण दिया है। इस विचारधारा का अनुसरण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व को वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया है, ताकि वैश्विक महामारी का सामना करने के लिए एक साझी कार्यनीति के निर्माण में अग्रिम भूमिका निभा सके। आजादी का अमृत महोत्सव
वास्तव में एक ऐसा विजन है, एक ऐसा विचार है जो देश की अंतर्निहित शक्तियों को राष्ट्र निर्माण के लिए काम में लाती है। ये सबको जोड़ने का मंत्र है, एक समावेशी विचारधारा है जिसका अंतिम लक्ष्य देश के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण है। आपने इस अभियान में स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता, किसान, महिलाएं, शांति, पर्यटन, पूरे वर्ष भर कई विषयों को व्यापक देश और विश्व में ले जाने की कार्य योजना बनाई है। मैं आपको इसके लिए साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये दिखाता है कि स्वर्णिम भारत का निर्माण तभी हो सकता है जब देश का हर वर्ग हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सामूहिक प्रयास करे। राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में प्रत्येक संस्था, प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्रीय दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करना है। हमारा हर कार्य राष्ट्र के लिए समर्पित हो, हमारे सभी प्रयास राष्ट्रहित की कसौटी पर कसे जाएं और हम एक नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करें, तभी आजादी का यह पर्व भारत की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का पर्व बन सकेगा। जय हिंद, ओम शांति।